हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में सारे परिवार के साथ घर पे होंगे और सेफ होंगे। सो प्लीज ऐसे ही अपने परिवार के साथ घर पे रहें और सेफ रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। गाइस, अगर आप घर पे रहते रहते बोर हो चुके हो तो मैं आपको ऐसे 5 साउथ इंडियन हिंदी मूवी का नाम बताने जा रहा हूँ जो वायरस बेस है, जो आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे आती है फिल्म 10 अवतरम। ये 2008 में बनी थी, जिसको के एस रवि कुमार ने डायरेक्ट किया था, जिसके लीड रोल में कमल हसन साहब के साथ आसिम भी थे। इस मूवी में कमल हसन साहब बहुत सारे कैरेक्टर में दिखे, जिसमें बेस्ट कैरेक्टर है गोविंद नाम का, जो कि साइंटिस्ट का भूमिका है। उन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया जो कुछ ही समय में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। लेकिन कुछ होते हैं डिपार्टमेंट पे लोग ऐसे जो होते हैं हरामखोर, वैसे लोग ने उस वायरस को बेचकर दुनिया पे राज करना चाहते थे। लेकिन गोविंद जो कैरेक्टर है इसमें कमल हसन साहब का, वो पूरी दुनिया को कैसे बचाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ। 4वें नंबर पे है मृतम, जो कि 2016 में बनी थी। इस फिल्म को शक्ति सुंदर रजन ने डायरेक्ट किया था एंड इस फिल्म के लीड रोल में जैम रवि के साथ लक्ष्मी मेमन और काली वेंकट हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है केमिकल फैक्ट्री से, जहां पर कुछ केमिकल के प्रोडक्ट गलती से गिर जाते हैं और कोई कुत्ता इसे पी जाता है, वहीं से वायरस पैदा हो जाता है। धीरे धीरे वायरस पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता है और इससे लोग जुम्बू बनने लगते हैं। इस शहर में रहने वाले इस फिल्म के लीड रोल जैम रवि, जो कि ट्रैफिक ऑफिसर के कैरेक्टर में हैं, वह अपनी बहन के साथ रहते थे। एक दिन उनकी बहन अचानक गायब हो जाती है। जैम रवि अपनी बहन को ढूंढने लगते हैं और उन्हें शक होने लगता है कि शहर में जिस तरह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे, शायद मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ। इस फिल्म की कहानी पूरी इंटरेस्टिंग है, जानने के लिए आपको इस मूवी को जरूर देखनी चाहिए। गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट मूवी की ओर, जो कि 3रे नंबर पे आती है, चेन्नई वर्सेस चाइना, जो 2011 में रिलीज हुआ था। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। इस मूवी को AR मुर्ग डॉस ने डायरेक्ट किया था। सूर्या और श्रुति हसन इस मूवी के लीड रोल में नजर आए। इस मूवी में सूर्या एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिनके पास एक ऐसी दैवीय शक्ति है जो कोई भी रोग को इलाज कर सकता है, और उसके बाद उनके गुरु चाइना भेज देते हैं। जिस समय चाइना में ऐसा वायरस फैला होता है जिससे लाखों लोग मर रहे होते हैं, और सूर्या वहां जाकर आसानी से उस वायरस से पीड़ित लोगों को जान बचाता है। चाइना में ही सूर्या की मौत हो जाती है, उसके बाद उसका कैरेक्टर वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसी फिल्म में सूर्या का एक और कैरेक्टर ऐड होता है, जो कि चाइना गवर्नमेंट भारत पर बायोलॉजिकल वार करना चाहता है, उसमें एक खतरनाक वायरस बनाता है, उससे एजेंट के द्वारा इंडिया भेज देता है। वह एजेंट इस वायरस को एक कुत्ते में इंजेक्ट कर देता है, जिससे धीरे धीरे यह पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता है, और सूर्या कैसे लोगों को बचाता है, यह देखने के लिए आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसी लिस्ट में दूसरा नंबर पे आती है 2015 में बनी फिल्म आई, जिसे एस शंकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लीड रोल में विक्रम एंड एम जैक्सन थे, जो कि लिंगेशन और दिया के कैरेक्टर में रहते हैं। इस मूवी में लिंगेशन एक बॉडी बिल्डर और सक्सेसफुल मॉडल भी रहते हैं। उनकी बढ़ती हुई सक्सेस से लोग के जाने माने करीबी लोग एक धोखे से इंजेक्शन दे देते हैं। उसके बाद विक्रम की बॉडी अजीब तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, और उसके वजह से उनका शरीर जो होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है। लिंगेशन उन लोगों से कैसे बदला लेता है, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अब आते हैं हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे, जिसका नाम वायरस है, जो 2019 में बना था, जिसे आशिक अब्बू ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि 2018 में केरल में आई थी, डिफा वायरस पर उस पर बेस है। यह फिल्म हमारे लिस्ट के सबसे अलग है, क्योंकि इस मूवी में एक्शन रोमांस नहीं है, और मैं बता दूं कि यह मूवी हिंदी वर्जन में नहीं है। जैसे ही यह मूवी हिंदी वर्जन में रिलीज होगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सो गाइज, वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और
कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा कौन सा मूवी अच्छा लगा आपको।